बोल हे गाइस, सो हम लोग अभी उस टनल के अंदर से जाके ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं. वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर सम ग्रॉसरी शॉपिंग. अच्छा देख के प्लीज चौक पर जाना, यहाँ पे कितना हवा दे रहा है आपको पता चल रहा होगा. मेरा बात शायद आप सुन नहीं पा रहे होंगे. इट्स वेरी विंडी एंड नाउ इट इज 7 degrees. आज 7 degrees है, काफ़ी ठंड है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉप में. तो आप लोगों का कुछ कमेंट आया था होम टूर वाले ब्लॉग में कि यू वॉन्ट टू सी सम ब्लॉग्स, नॉर्वे ब्लॉग्स. तो मैंने सोचा एक इम्प्रॉम्प्टू ब्लॉग ऐसे आपके साथ शेयर करती हूँ. देखती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो ऐसे ब्लॉग में बनाया करूँगी. तो अभी चल चल के हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉप. क्लास, ऑलसन, मैक्सी, ये सारे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं यहाँ. तो आज एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा आपको दिखाते हुए मैं चलती हूँ. तो कल है 17th of May, जो कि है नेशनल डे यहाँ के. तो सब स्टोर जो है ना, सारे स्टोर, सारे मतलब एवरीथिंग विल बी क्लोज, नॉट ओनली स्टोर्स, सब कुछ क्लोज रहते हैं. तो इसीलिए घर का कुछ सामान बाकी था तो वो लेना है, तो निकल पड़े हम लोग. यहाँ एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, एक्चुअली दिस इज समथिंग विच इज सपोज टू बी फॉलोड बाई एवरी अदर लोकेशन. गाड़ी जो है पेडेस्ट्रियन को देखते ही रुक जाते हैं. दे विल स्टॉप वेल बिफोर, मतलब वेल अहेड. तो पेडेस्ट्रियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ दिया जाता है. आप अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो सारे गाड़ियाँ, कार्स रुक जाएंगे. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं. पोली थी, मतलब पुलिस स्टेशन. ओके, सो वी आर गोइंग टू मैक्सी. दैट वन इज मैक्सी, दिस वन इज पार, ये है पुलिस स्टेशन. आज बहुत लोग बाहर है, पार्किंग पूरा फुल है क्योंकि शायद कल छुट्टी है ना, तो सब लोग अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने में बिजी है. इट्स लाइक अ मॉल. शॉपिंग कोट भी लेना है, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ही ले लेती हूँ. যাওয়ার সময় যাবো কিন্তু, সাচ নাইস স্মেল. नॉर्वेजियन में तिलबुत का मीनिंग होता है ऑफर. सो दिस शॉप वॉज रनिंग ऑफर. एंड ये जो सारे फ्लावर्स है ये स्पेशली 17th May के लिए था, क्योंकि ये 17th May का वीकेंड था. एंड एज आई टोल्ड 17th May इज एक्चुअली नेशनल डे ऑफ नॉर्वे. काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. तो मुझे यहाँ से प्लांट खरीदना था. अभी हम लोग चल रहे हैं क्लास ऑल्सन, क्योंकि मुझे एक चॉपिंग बोर्ड ख़रीदना है. बहुत दिन हो गया चॉपिंग बोर्ड के बिना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू
क्लास ऑल्सन। इसमें ना सब कुछ मिलता है, मतलब पूरा ए टू जेड घर का सामान मिलता है। ये देखिए यहाँ सब कुछ है। मैं देखते हुए जा रही हूँ कहाँ मुझे एक चॉपिंग बोर्ड दिख जाए। ये सारे डिब्बे वगैरह सब कुछ, फ्राइंग पैन, स्प्रे बॉटल्स, हैंगर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे जो चाहिए मुझे नहीं दिख रहा है। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड, वेयर इज चॉपिंग बोर्ड? अच्छा, चॉपिंग बोर्ड तो नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख गया। एंड ये जो ये वाला क्लास ऑल्सन थोड़ा छोटा है। वी विजिटेड अनदर वन दैट वाज बिग, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है चॉपिंग बोर्ड, पूछते हैं जाके। टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ इसमें है, क्लीनिंग एजेंट्स। এখানে তো রান্নাঘরের আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ये इनका लाइटिंग का सेक्शन है। यहाँ अच्छा खासा इनका कलेक्शन है, बट जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। चॉपिंग बोर्ड, कितना जी? ओके, आई थिंक दे कैन चेक, वो चेक कर सकते हैं कि स्टोर में है या नहीं। फाइनली यहाँ हमें चॉपिंग बोर्ड नहीं मिला। ये वाला क्लास ऑल्सन थोड़ा सा छोटा था एंड शायद इनका कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था, तो और कुछ यहाँ से नहीं लेना था तो हम निकल आए। बाहर आके हम लोग सब्जी एंड ग्रॉसरी लेने के लिए नेक्स्ट शॉप में गए, क्योंकि नेक्स्ट 4 दिन छुट्टी थी। शॉप में काफ़ी ज़्यादा लोग थे कंपेरेटिवली, एवरीवन वाज टॉकिंग अप वीकेंड मटेरियल। नॉर्वे में फूड वैरायटी इन द ग्रॉसरी स्टोर्स इज वेरी गुड, यू गेट लोड्स ऑफ ऑप्शन बोथ इन वेजीज एंड फ्रूट्स एंड ग्रॉसरीज। Also in Norway, people are really fond of different types of fish and meat. You will get tons of option in raw fish and meat and also ready to cook or pre-seasoned one. Usually the marinated or pre-seasoned ones are very easy to make at home and super delicious. And this is also pork. And one of these. Is the shop closed tomorrow? Yes, it's closed tomorrow. Will it be open on 18th? Day after tomorrow? Day after tomorrow? Yes. Closed, is it? No, day after tomorrow open. No, closed, closed. Closed tomorrow after. Tomorrow day after. Is closed. Day after tomorrow is also closed? And one of these. So this bake for 200 degree? Yes. Okay.
doesn't it? ओटली पे छे नो फ्लेवर नो लूटा नहीं राइट लूटा ओ दैट इज बारिस्ता एडिशन एंड दिस वन इज आई थिंक नो फ्लेवर ओके फाइन चलो एंड और क्या लेना था सब कुछ हो गया है अभी एग लेना है 6 बजे पूरे शॉप बंद होने वाला है पूरा मॉल बंद हो जाएगा कल नेशनल डे है 2 दिन की छुट्टी है इन लोगों की तो सब कुछ बंद हो जाएगी तो जल्दी जल्दी हम लोग उठा रहे हैं 2 दिन का सामान सब कुछ है बस एग लेना है एग दिख गया ओके That is 38 and this is 49. What's the difference? But I don't know what's the difference. इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ होता है बहुत प्रॉब्लम होता है जानने के लिए कि क्या है दिस इज आई थिंक नॉर्मल एग ओनली राइट ओके यहाँ सारे स्नैक्स वगैरह है दीज आर ऑल डिप्स एंड ऑल ऑयल सेक्शन इज रियली ह्यूज ओके शेड ऑफ ग्रीन इन ऑल द कलर्स This is I think like check out. Okay, we are buying this one. Hi. 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 Want to buy this one? Buy this? Yeah. This one is how much? 400. Okay. Yeah. ओके ये नॉर्वे में मेरा पहला प्लांट है मुझे लगा पहले मैं आपको बता दूं ओके दिस इज माय फर्स्ट प्लांट इन नॉर्वे बट होपफुली नॉट द लास्ट तो ये फिलोडेंड्रन है घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ मैं रखूंगी इसको एंड या देखते हैं इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होगा तो लिविंग रूम में कहीं रखूंगी अभी घर चलते हैं जो शॉपिंग था वो हो गया है हमारा
We keep the dinner pretty simple. I usually cook at night and then we have that as dinner, and Shovik also brings that in lunch next day. Since this was weekend, we were only cooking for the night. So just thought of baking some meat with cheese and veggies. It took around 25 to 30 minutes and our dinner was almost ready. With this, we are also at the end of this vlog. I hope aaj ka vlog aapko acha laga hoga. You wanted to see a grocery haul. I will definitely share the details around that. But I hope in this video, you got to see little bit of the grocery stores and the other stores in Norway. Please let me know in the comment section what all videos you want to see so that I can focus more on that. Also, if you have liked this video, press this like button and subscribe to the channel. You take care. I will see you very soon in the next video. Bye bye.